हेलो फ्रेंड्स, आने वाली सभी लेटेस्ट जॉब की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही में दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप लोग एक भी अपडेट को मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल टिप्स क्लासेस। एक्सेल टिप्स क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि SSC में कितना ज़्यादा गड़बड़ घोटाला और करप्शन चल रहा है। इसी गड़बड़ घोटाले और करप्शन के बीच में भी दोस्तों इन लोगों ने क्या किया, CHSL का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करा दिया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी कैंडिडेट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तब भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। और दोस्तों, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अब जो कंडक्ट एग्जामिनेशन हो रहा है आप लोगों का, उसमें भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वो चेंजेस क्या हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, शुरुआत की जो शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं, आप लोगों को मालूम है कि जो एग्जामिनेशन है 4 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक चलेगा। जो शुरुआत के शिफ्ट हैं अगर हम लोग बात करें तो तारीख दोस्तों 4 मार्च से लेकर के जो दोस्तों 12-13 मार्च तक का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है वो दोस्तों काफ़ी सिंपल, उसमें सवाल पूछे जा रहे थे। और अब जबकि टाइम थोड़ा आगे बढ़ गया है, अगर हम लोग बात करें तो 14 से लेकर के आज 18 तारीख है, ये 4-5 दिनों में दोस्तों पेपर का लेवल है जो सिंपल से मॉडरेट लेवल तक चला गया है, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा पेपर हार्ड हो सकता है। दोस्तों, एक तो SSC है वो नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे खामोश है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अगर हो जाता है तो दोस्तों सब कुछ इक्वल हो जाएगा। जो लोग सिंपल पेपर जिन लोगों को मिल रहा है और जिनको मॉडरेट लेवल का पेपर मिल रहा है वो सारे के सारे नॉर्मलाइजेशन की वजह से इक्वल आ जाएंगे, पर दोस्तों SSC ऐसा नहीं कर रहा है। जो बच्चों को सरल पेपर मिल रहा है वो लोग तो काफ़ी अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं, पर जो लोग बच्चे मॉडरेट पेपर दे करके आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि जो शुरुआत के शिफ्टों में पेपर देकर के आ रहे थे, अगर मैं उनकी बात करूं तो दोस्तों वो 60+ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आ रहे थे और एक्यूरेट क्वेश्चन थे उनके हिसाब से ये। पर दोस्तों, आपकी जो शिफ्टें चल रही हैं जो कि मिडिल में टाइम आ चुका है एग्जामिनेशन का, अब अगर बात करूं तो 3-4 दिन से बच्चे जो बता रहे हैं दोस्तों, उन लोगों का स्कोर है दोस्तों वो अगर उनके हिसाब से एक्यूरेसी मानी जाए तो 50 से लेकर के वो 55 या 58 क्वेश्चन ही सही सही जो हैं कर सकते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पेपर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, और दोस्तों ये तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएगा फाइनल जो आप लोगों की कट ऑफ बनेगी उस पर भी, क्योंकि दोस्तों शुरुआत के शिफ्टों में बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा स्कोर किया हुआ है, तो इस वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम आ गया। और नॉर्मलाइजेशन ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं अपने कमेंट्स ज़रूर दें, और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरीके से और भी ज़्यादा वीडियोस हैं वो मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आता रहता हूँ एग्जामिनेशन संबंधी वीडियोस, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।